Okay, good morning everyone. As I have told you, there will be a very short test on trivial names and you are supposed to write down the IUPAC names. Sab log padh ke aaye hain? Thoda sa? Yes or no? Please reply. Okay, chalo. So I will just write down some questions. You have to. Theek hai, thoda to thoda, no problem. Draw the structures and write IUPAC names of the following compounds. Okay, first one is salicylidehyde. Second one, phthalic acid. Third one, oxalic acid. Fourth one, diethyl ketone. Fifth one, alpha bromo ethyl n propyl ketone. Aur ek hai methyl phenyl ketone. Isobutyric acid. और आपको ड्रॉ करना है स्ट्रक्चर, 2-methyl-pentanol hexane 2-ol और एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करो. Acetaldehyde. चलो, these are the questions. फटाफट. You will get only 10 minutes to complete this. ठीक है? It's 10:36. 10:46 को आपका हो जाना चाहिए. जितना आता है उतना ही लिखो. See, I am not watching you कि आप क्या कर रहे हो. You can write it. You can check it from your textbook by your own. और फिर मुझे बता देना कितना right है, कितना wrong है. ये सब आपके textbook के ही हैं. अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको आएगा, और अगर नहीं आता है तो पढ़ो और बिना देख के लिखो. यू विल गेट 10 मिनट्स टू कंप्लीट दिस. पहले देखो कितना आता है, नहीं आता है तो ओपन द टेक्स्ट बुक, रीड इट, अंडरस्टैंड दैट एंड देन राइट इट. 10:36 को वी विल स्टार्ट विद द प्रिपरेशन.
इतने कम लोग क्यों आए हैं आज? इस वो टेस्ट के वजह से नहीं है शायद। कौन सा बड़ा टेस्ट थोड़ी ना था, फाइनल एग्जाम थोड़ी ना है, कुछ भी। मैं क्या चेक कर रही हूँ तुम लोग क्या लिख रहे हो, कुछ भी। क्वेश्चन हो गया लिख के? यू कैन चेक फ्रॉम योर ओन टेक्स्ट बुक हाँ, एंड लेट मी नो हाउ मेनी आर करेक्ट। वो टेबल में से ही दिया है सब जो कल पढ़ाया था। क्वेश्चन हो गया लिख के? यस ओके, चलो फटाफट लिखो आंसर्स, बोलो 1 मिनट। सिक्स मिनट्स मोर। आई होप यू ऑल आर एबल टू राइट डाउन दैट।
ओके गुड। जो आपका टेबल था ना उसमें से ही दिया है, यू कैन चेक इट फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक एंड जस्ट लेट मी नो हाउ मेनी आर करेक्ट, इतना ही बस। ये श्रुति नो प्रॉब्लम, यू कैन लीव एट 10:58, नो प्रॉब्लम, या नो प्रॉब्लम। वेलकम, आज वैसे भी बहुत कम लोग आए हैं, क्या प्रॉब्लम है? Two more minutes. Yes, yes. Devesh has messaged me, Hilly. He had some work in the college, so he is at Matunga right now. No problem, he has informed me. Chalo, ho gaya. Check karo fatafat. Let me know how many you got correct. दस मिनट काफी थे, बहुत इजी था सब। चलो लाइन्स आई विल आस्क। अनुष्का भेरे, हाउ मेनी यू गॉट करेक्ट? फटाफट आंसर करो। हाँ Miss 7. Okay, very good. Haley? Ma'am, I'm checking. Wait a minute, ma'am. Okay, okay. Kanaya? I'm checking. Kitna? Checking kar raha. Okay. Kashish? Pavan? Pragati? Chat box mein likho, chalo sab log. Kitne right hai? कशिश 5 नहीं आया, ओके। प्रियंका वेरी गुड, 9 गॉट करेक्ट, शाबाश। वेरी गुड प्रगति, 6 करेक्ट। वेरी गुड साक्षी। श्रुति 5, ओके। यश वेरी गुड, 8 यू गॉट करेक्ट। ऋषि 5, क्यों ऋषि पढ़ के नहीं आया था? पवन 4, ओके। यश को भी 5, ठीक है। बट ऐसे डाउट तो नहीं है ना तुम लोग को उसमें?
आईयूपीएससी में डाउट्स तो नहीं है ना, समझ में तो आया था ना कल? हाँ ठीक है, अच्छे से पढ़ाना एक बार। कौन सा वाला? वाला अल्फा ब्रोमो इथाइल एंड प्रोपाइल कीटोन, ये वाला ना? अल्फा मिथाइल, क्या लिखा? अल्फा ब्रोमो इथाइल एंड प्रोपाइल कीटोन। अभी ब्रोमो इथाइल देखो, सबसे पहले क्या आएगा? सी डबल बॉन्ड ओ, इथाइल एक साइड पर आएगा और प्रोपाइल एक साइड पर आएगा, समझा? वन साइड पर इथाइल, वन साइड पर प्रोपाइल, क्लियर? नाउ अल्फा ब्रोमो मतलब ब्रोमो विल बी हियर बिकॉज इट इज योर फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का पहला कार्बन इज अल्फा कार्बन, ठीक है, एंड दिस इज योर प्रोपाइल। तो हो गया ना अभी, तो इट इज 1 2 3 4, यहाँ पे आ जाएगा सी एच 1 2 3 4, इट इज सी एच 3, फिर ये हो जाएगा 1 2 3 4 सी एच 2 सी एच 3, हो गया अल्फा ब्रोमो इथाइल एंड प्रोपाइल कीटोन ना। तो कीटोन है मतलब पहले कीटोन ड्रॉ करने का, एक साइड पर इथाइल है, इथाइल ड्रॉ किया, एक साइड पर प्रोपाइल है, तीन कार्बन ड्रॉ किया, ठीक है। अल्फा पोजीशन पर ब्रोमो है तो यहाँ पे ब्रोमो आ गया, हो गया, अंडरस्टूड? यस मिस। अल्फा पोजीशन मतलब वो सेकंड फंक्शनल ग्रुप का पहला कार्बन, फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन अटैच होता है इट इज कॉल्ड एज अल्फा कार्बन। एनी कार्बन व्हिच इज अटैच्ड टू द फंक्शनल ग्रुप। रुको, हेली का कुछ तो डाउट है। सैलिसिलिक एंड थैलिक एसिड ना, सैलिसिलिक इज नथिंग बट योर एल्डिहाइड विद ओएच ग्रुप, ठीक है, सो इट इज सी एच ओ ओ एच, सो इट इज 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। एंड व्हाट इज थैलिक एसिड? थैलिक एसिड इज नथिंग बट, एक सेकंड, थैलिक एसिड इज नथिंग बट COOH, COOH, सो इट इज बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, एंड सैलिसिलिक इज 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, ओके? यस मिस, इसको कॉमन नेम नहीं किया था ना, इसलिए नहीं आया। यस यस, हाँ, ये आईयूपीएसी नेम्स हैं, ये दोनों आईयूपीएसी नेम ही थे डायरेक्टली, कंफ्यूज करने के लिए दिया था मैंने। देयर इज नो कॉमन नेम, इट इज डायरेक्टली आईयूपीएसी नेम। और एसिटाल्डिहाइड ये है CH3 CH डबल बॉन्ड O, एसिटाल्डिहाइड, करेक्ट? चलो पढ़ाई करो लेकिन इसके ऊपर, ठीक है? Should I proceed now? Yes. अभी देखो, जब आप कोई भी ऑर्गेनिक चैप्टर पढ़ते हो तो तीन चार चीजें पढ़नी होती है। पहला उसका आईयूपीएसी, दूसरा मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन। आप जब स्टडीज करोगे तभी भी ऐसे ही पढ़ना है। देन आफ्टर दैट इट्स प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में दो प्रॉपर्टी होती है, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरी होती है केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड लास्ट में होता है यूजेस। तो 1 2 3 4 आईयूपीएसी, मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, तो अभी अपना ये हो गया। देखो जितने भी केमिकल रिएक्शन आप देखोगे ना, सब में यही सीक्वेंस है, आईयूपीएसी, मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन, प्रॉपर्टीज, यूजेस, ठीक है? सो वी हैव कंप्लीटेड नाउ आईयूपीएसी, टुडे आई विल स्टार्ट विद मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन, ठीक है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ ध्यान से देखना, कॉपी करना, आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस आल्सो ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस, तो आपका यहाँ पे अच्छे से हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि सेपरेट नोटबुक बनाना, डोंट बी इन दैट इम्प्रेशन है टेक्स्ट बुक में सब है। ऑफ कोर्स टेक्स्ट बुक में सब है। अरे मेरा स्टैंड है ना एकदम सड़ा हुआ हो गया, एक मिनट है जरा, ठीक है? तो इवन दो इट इज इन द टेक्स्ट बुक, यू आर सपोज टू राइट डाउन एंड मेक योर सेपरेट नोटबुक। जब आप खुद से लिखोगे रिएक्शंस एंड ऑल, यू विल अंडरस्टैंड दैट मोर प्रॉपरली। चलो नाउ वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट,
that is general methods of preparation. First, everybody pay attention. I will give you time to write down general methods of preparation of aldehydes and ketones. आज शाम को revision lecture याद है ना सबको? Solution का numericals हम लोग discuss करने वाले हैं. I am going to give you some numericals. आप वो solve करोगे और वो हम discuss करेंगे. So I hope आप लोग पढ़ रहे हो numericals भी. चलो इसमें पहला method है oxidation of alcohols. आपने alcohol chapter किया है ना? By oxidation of alcohols. अभी इस chapter में they have not given you anything. They have directly said refer chapter number 11 alcohol phenols. तो मैं आपको बता दूँ your answer is on page number 12th का 12th standard का page number 246 पर है. तो अगर आपके पास textbook है तो उधर लिख के रखना. क्योंकि होता क्या है पढ़ने के time पे ना अपने को मिलता नहीं है. So just be careful and just write it and keep it with you. It is on page number 246. ठीक है? चलो now we will do that reaction. पहला है हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले primary alcohols on oxidation gives you aldehydes and secondary alcohols on oxidation gives you ketones. ये सबसे important point है. ठीक है, primary alcohols will give you aldehydes, secondary alcohols will give you ketones. अब oxidation कर रहे हो तो we need oxidizing agents. So I can use different oxidizing agents over here. Those are chromium trichloride, sorry, chromium trioxide, or I can use over here PCC. What is PCC? Pyridinium chlorochromate. ठीक है, इसका नाम है pyridinium chlorochromate. ठीक है, ये हो गया दूसरा reagent. तीसरा reagent जो हम use कर सकते हैं that is उसका ये करना है हम लोग को, क्या करना है, dehydration करके करना है. तीसरा reagent we are going to use over here is copper at 573 Kelvin. तो कितना हो गया first, second, third. ये तीनों reagents हम लोग use कर सकते हैं for the conversion of alcohols into the aldehydes and ketones. This much part is very very clear. Okay. Now what is primary alcohol? Primary alcohol is, मैं पहले general लिखती हूँ, R CH2OH. तो when it is attached with CH2, it is called as primary alcohol. I am going to treat it first of all this with, suppose I am writing over here CrO3 in oxidation. So kya ho jayega pata hai aapka, directly ye jo group hai ye pura group direct is converted into RCHO. It will give you aldehyde. Similarly I will write down your RCHOH and R dash. Again, in the presence of CrO3, in the presence of oxidation, क्या होगा? ये जो पूरा ग्रुप है ये, ठीक है? किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कीटोन में. तो R C double bond O R dash. मतलब करना है क्या? इस पूरे ग्रुप को रिप्लेस कर देना है CHO से, and this whole group is replaced by C double bond O. Similarly, same reactions we can do with PCC and कॉपर और इसके साथ. ठीक है, तो मैं पहले अभी क्या करूंगी, आपको एग्जांपल्स दूंगी. आई विल राइट डाउन ओवर योर CH3 CH2OH इन द प्रेजेंस ऑफ, सपोज अभी ये देखो सेम रिएक्शंस हो गया ना, पीसीसी एंड ऑक्सीडेशन. क्या बताया मैंने, दिस होल ग्रुप, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल. यू कैन सी व्हाट इज द नेम ऑफ दिस अल्कोहल, इट इज योर इथेनॉल. ठीक है, तो डायरेक्टली इट इज कन्वर्टिंग इनटू CH3 CHO. तो क्या बन गया ये, इथेनल, इथेनॉल टू इथेनल इट हैज फॉर्म्ड. देन आई एम राइटिंग CH3 CHOH, सपोज CH2 CH3. ठीक है, यहाँ पे भी ले लिया PCC एंड ऑक्सीडेशन. ये ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O में.
So it is CH3, C double bond, then CH2, CH3. 1, 2, 3, 4. So it is butane 2-ol. इसका नाम क्या हो जाएगा? This is butanone हो जाएगा ना? It is your butanone. इतना समझा? This much part is clear? Yes, miss. Primary alcohols will give you aldehyde. Secondary will give you ketone. अब ये reagents में change कर सकती हूँ. Now in place of Cr2, CrO3 के जगह पर I can write down over here copper and 573 दिए लिख दिया तो same आएगा same. जो changes है वो same होंगे. Only we are doing here this thing. ठीक है? इतना समझा? ठीक है? अभी पहले इतना लिखो. फिर मैं वो कॉपर वाला बताती हूँ. ये वाला मैं बाद में बताती हूँ. पहले इतना लिखो. कॉपी डाउन दैट. यस यस श्रुति, नो प्रॉब्लम. कॉपी डाउन दिस मच पार्ट फर्स्ट. कुछ भी नहीं समझा होगा तो पूछो. मैम हेडिंग देखो. जनरल मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. पहला है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स. 12th का पेज नंबर 246 पर है दिया हुआ. अच्छे से लिखो समझ के. दिस इज कीटोन. डन बच्चों. क्लियर दिस मच पार्ट. डायरेक्ट कन्वर्जन टू एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. फिनिश्ड विद द राइटिंग पार्ट. फास्ट फास्ट लिखो प्लीज. चलो शुड आई टर्न माय पेज. मिस ला हाँ क्या बोल रहे हो? ओके डन मिस लास्ट. ओके ओके लिख लो लिख लो. कौन सा लास्ट वाला? ये सी व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर. CH3 CHOH सेकेंडरी अल्कोहल है. सो इन द प्रेजेंस ऑफ दिस PCC दैट इज पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट योर सेकेंडरी अल्कोहल दिस पार्ट इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द कीटोन.
So this is your butane to oil, but here it is called as butanone. Okay, Sakshi? Yes, ma'am. Okay. देखो ये जो ग्रुप है ना ये इसको डायरेक्टली कीटोन में कन्वर्ट कर देने का, ये प्राइमरी अल्कोहल को डायरेक्टली एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देने का बस। अगर ये कैटलिस्ट आपको दिखे और क्वेश्चन दिया प्राइमरी अल्कोहल टू कीटोन व्हाट इज द क्वेश्चन मार्क ओवर हियर, तो आप ये लिख सकते हो या फिर ये दिया और ये दिया तो डायरेक्टली यू कैन कन्वर्ट देम इनटू द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स अकॉर्डिंगली। मिस वो लास्ट वाले का वो एच किधर गया? किसका एच? मतलब वो निकल गया अभी तो अपन वो नहीं पढ़ते, जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ते हैं तो डायरेक्ट कन्वर्जन हो जाता है, समझा? अच्छा मिस, तो वो प्लस एच नहीं आएगा? नहीं आएगा। हाँ क्या लिखा है थर्ड में, कौन सा कैटलिस्ट? हाँ हाँ यस यस, तीनों में से कौन सा भी कैटलिस्ट लिख सकते हैं, करेक्ट। अभी ये कॉपर वाला बताती हूँ मैं तुम लोगों से, एक थोड़ा सा चेंजेस है दैट आई विल टेल यू। टर्जरी अल्कोहल ये रिएक्शन नहीं देता, ओनली प्राइमरी और सेकेंडरी रहेगा। अगर आप टर्जरी लोगे ना तो आपको अल्कीन मिलेगा एल्डिहाइड की जगह पर, इसलिए हम लोग सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल ही लेते हैं। टर्जरी अल्कोहल विल गिव यू अल्कीन्स, याद रखो। हो गया लिख के? से यस और नो? चलो मैं टर्न कर रही हूँ पेज। हो गया ना सबका? हाँ मैम। हाँ एक सेकेंड। अभी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट, एक मिनट का जरा, एक सेकेंड है बच्चों। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट इसमें ही करेंगे। अगेन आई विल टेक CH3 CH2 OH। अब मैं क्या ले रही हूँ? कॉपर एट 573 केल्विन एंड ऑक्सीडेशन क्या होगा डायरेक्टली लिखो इधर कन्वर्ट करके, दिस इज योर इथेनॉल, देन CH3 CH2 CHOH CH2 CH3 इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर एट 573 केल्विन। Whose mic is on? Anushka, तुम लोग म्यूट किया करो बाबा प्लीज, सबको डिस्टर्ब होता है फिर, ठीक है? तो ये ग्रुप डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका? सेम है रिएक्शन, देखो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। व्हाट इज द नेम? 1 2 3 4 5 सो इट इज ब्यूटेन 3-ol, एम आई राइट? 1 2 3 4 5 इट्स ओके अनुष्का, नो प्रॉब्लम, ठीक है? ब्यूटेन 3-ol। अब इसको डायरेक्टली कीटोन में कन्वर्ट करो और आंसर बोलो। अब देखो हाँ, अगर मैंने यहाँ पे टर्जरी अल्कोहल लिया CH3COH, मैम पेंटेन आएगा ना? CH3CH3 हाँ, पेंटेन पांच है तो पेंटेन आएगा ना? पेंटेनोन, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ पेंटेन आएगा, आई एम सो सॉरी सॉरी सॉरी, 1 2 3 4 5 हाँ सॉरी, हाँ पेंटेन 3-ol, थैंक यू, हाँ ठीक है पेंटेन 3-ol। अब यहाँ पे देखो ये मेरा क्या है, टर्जरी अल्कोहल है, कैन यू सी COH इज माय टर्जरी अल्कोहल। तो इन सारे रिएक्शंस में सिर्फ कॉपर के साथ नहीं, विथ ऑल द रिएक्शंस ऑल द कैटलिस्ट इंस्टेड ऑफ ऑक्सीडेशन इट विल गिव यू डिहाइड्रेशन, समझा? तो होगा क्या यहाँ पर, यहाँ से OH जाएगा और यहाँ से H जाएगा। डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वॉटर, तो यहाँ से OH गया यहाँ से H गया और एक बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो मेरा कंपाउंड क्या हो गया, देखो CH3 CH3 ये हो गया डबल बॉन्ड CH2, अल्कीन आ गया ना? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस अल्कीन? 1 2 3 सो इट इज 2
methyl propene. Samjha? That is why we are not using here tertiary alcohol. What is the name of this alcohol? It is 2-methyl propane 2-ol. Correct? Dekho. 1, 2, 3. 2-methyl propane 2-ol. At the second position, you are having an alcohol. So it is 2-methyl propane 2-ol. Aayi baat samajh mein itna? That is why I am not going to use anywhere tertiary alcohol, because tertiary alcohol, instead of giving oxidation, it will give you dehydration and gives you the formation of alkenes. Clear? Abhi main yahan pe kuch reactions likh rahi hu, aapko wo complete karna hai, theek hai? Likho tab tak, ye upar wala copy karo, ye complete karo, ye aayega na? Khali CH2O ki jagah par, OH ki jagah par kya likhna hai? CHO. Aur iski jagah par kya likhna hai? C double bond O. सबका यूपीएससी नेम भी लिखो. इसको फर्स्ट का हमें लिखना है. हाँ, सबका तुम लोग को ही लिखना है. इसका क्या आंसर आएगा? ये दोनों रिएक्शन कंप्लीट करके मुझे आंसर बताओ. ध्यान से देखो मैंने क्या बताया. तो देखो ये सीधे हो जाएगा CH3, ये पूरा चेंज होके क्या बन जाएगा? CHO. तो ये तो इजी है. दिस इज योर इथेनल. बराबर से स्पेलिंग लिखो. ये क्या हो जाएगा? अभी ये कीटोन बन जाएगा. तो इट इज CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3. ये क्या हो गया? पेंटेन 3-ol. ठीक है. और ये तो अल्कीन आ गया. अब ये दोनों आएगा. ये देखो ये प्राइमरी अल्कोहल है. ध्यान से देखने का. और ये कौन सा अल्कोहल है? देखो टर्जरी. और क्या मिलेगा वो देखो और मुझे आंसर बताओ. आई होप फर्स्ट रिएक्शन इज वेरी वेरी क्लियर. So primary alcohols will give you aldehyde, secondary alcohols will give you ketone, tertiary alcohols we are not taking because instead of oxidation it will give you dehydration and gives you alkene. Acche se likho, samajh ke aram se. Kyunki main chahti hu ki jo bhi reactions aap pad rahe ho wo ekdam acche se at least samajh mein aaye. To padhne ke time par tum log ko ईजी पड़ेगा. आपको चाहिए आप अलग अलग कलर पेन्स भी यूज कर सकते हो फॉर राइटिंग योर ओन नोट्स. नो प्रॉब्लम विद दैट. एग्जाम में भी आप ब्लू एंड ब्लैक कलर का पेन यूज कर सकते हो टू शो द रिएक्शंस, टू राइट डाउन दीज नेम्स. एकदम अच्छे खूबसूरत नोट्स बनाओ खुद के बुक्स के. हम लोग जब भी थे कॉलेज में तभी बहुत सारे कलर पेन्स यूज करते थे खुद का नोटबुक में. रेड, ग्रीन, ब्लू, अलग अलग. तो अंडरलाइन अलग पेन से करते, बहुत अच्छा लगता था पढ़ने के टाइम पे भी. बहुत अच्छा लगता था कि अरे वाह मेरे नोट से मैंने कितना अच्छा लिखा. मेंस ये फर्स्ट वाला आपने दोनों तरफ इथेनॉल लिखा है. इथेनॉल है, नॉल ओ एल है और ये ए एल है. अरे मिस वो ब्लर दिख रहा था. अभी देखो ये ओ एल है, इथेनॉल और ये अल है. दैट इज अल्कोहल, दिस इज एल्डिहाइड. ठीक है? यस मैम. ओके, हो गया सबका क्वेश्चन लिख के? हो गया. बीच में क्लोरो है तो ध्यान से 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसका कार्बन काउंट नहीं करेंगे, नहीं तो ये भी काउंट करते पड़ेंगे. 1, 2, 3 तो 3 क्लोरो हेक्सेन 1-ol. आपको 2 ही मिनट मिलेगा ये आंसर लिखने के लिए. फटाफट करो. चलो
हो गया चलो आंसर बताओ क्या आएगा हेक्सेनोन कैसे आएगा प्राइमरी अल्कोहल है ना कन्हैया हाँ करेक्ट करेक्ट पहला वाला करेक्ट है दूसरा वाला सिर्फ इसकी जगह पर थ्री मिथाइल बराबर प्रियंका क्या लिखा है कौन सा वाला आंसर है फर्स्ट वाले का कि सेकंड वाले का सेकंड वाले का शायद बता रहे हो तुम अल्डिहाइड कैसे आएगा टर्जरी अल्कोहल है यस पहला वाला करेक्ट है यश थ्री क्लोरो हेक्सेनल ये देखो इसका सब सेम नीचे लिखती हूँ आंसर सी एच थ्री सी एच टू CH2CHCl फिर ये CH2 इधर तक आ गया और प्राइमरी अल्कोहल पूरा चेंज हो गया CHO को दैट इज 1 2 3 थ्री क्लोरो हेक्सेनल ये बराबर है सबका थ्री क्लोरो हेक्सेनल इसको हेक्सेन वन अल क्यों नहीं लिखा क्योंकि एल्डिहाइड पहले ही पोजीशन पे रहता है तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है वो वैसे ही किंग है एल्डिहाइड और एसिड आपका हमेशा किंग रहता है वो हमेशा पहले पोजिशन पे ही आता है इसमें देखो ये टर्जरी अल्कोहल है तो यहाँ से OH जाएगा और यहाँ से एक H जाएगा यहाँ से भी जा सकता है लेकिन मैंने आपको सिमेट्रिकल दिया जानबूझ के ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो ठीक है तो यहाँ से H चला जाएगा ठीक है तो क्या होगा अभी आपका कंपाउंड का नाम सी एच थ्री सी एच टू सी सी एच थ्री डबल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री एम आई राइट तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 थ्री मिथाइल पेंट टू इन करेक्ट थ्री मिथाइल पेंट टू इन बराबर करेक्ट है यश गुरव परफेक्ट आंसर प्रियंका समझा थ्री मिथाइल पेंट टू इन आएगा एल्डिहाइड आ जाएगा अच्छा अगर मेरे दोनों साइड पर अनसिमेट्रिकल अल्किन होते तो क्या करते अगर यहाँ पे तीन कार्बन होता यहाँ पे दो कार्बन होता तो कहाँ से एच निकालते सपोज ऐसा होता सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी बराबर है आंसर प्रियंका वेरी गुड सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री सपोज ऐसा होता तो कहाँ से फिर एच निकालते मार्कोनिकोफ्स रूल नहीं सेडजेफ्स रूल याद है सेडजेफ्स रूल मैंने बताया था मार्कोनिकोफ रूल कब यूज होता है जब अपने पास एच बी आर हम लोग एड करते हैं एच सी एल एड करते हैं एडिशन में होता है ये रिमूवल है ना डिहाइड्रेशन है तो यहाँ से कहाँ से OH निकलेगा इधर से इधर से क्योंकि सेजर्स ने क्या बोला कि अगर मेरे पास अनसिमेट्रिकल चीजें हैं तो वो साइड से हाइड्रोजन निकालो जहां पर ज्यादा कार्बन है तो दिस इज सेजर्स इतना क्लियर फर्स्ट मेथड ही हुआ देखो कितने देर से आधे घंटे से एक मेथड सिखाया मैंने तुम लोग को समझ आ गया अच्छे से फर्स्ट मेथड तो आपका प्राइमरी अल्कोहल्स विल गिव यू एल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल्स विल गिव यू कीटोन यू कैन यूज थ्री टाइप्स ऑफ reagents chromium trioxide you can use PCC and you can use copper and 573 kelvin हाँ बोलो बोलो मिस वो जब भी tertiary पे आएगा तो मिस ये बनेगा ना aldehyde ओहो मैंने यहाँ पे क्या बोला था कि tertiary will never give you oxidation it will give you dehydration tertiary alcohol आपको aldehyde देगा ही नहीं या फिर कीटोन देगा ही नहीं इसलिए हम लोग टर्जरी अल्कोहल यूज ही नहीं करते हैं टर्जरी अल्कोहल्स विल गिव यू अल्कीन तो मैंने यहाँ पर वही दिया है कि ये आपका टर्जरी अल्कोहल है तो इट विल गिव यू अल्कीन एक एच यहाँ से जाएगा और ओ एच यहाँ से जाएगा आपका आंसर ये आ जाएगा लेकिन मेरा सवाल क्या था कि यहाँ पर सेम नंबर ऑफ कार्बन है
यहाँ पे भी सेम नंबर ऑफ कार्बन है, तो किधर से भी निकाला तो आंसर सेम आएगा. लेकिन अगर मेरे यहाँ पर ज्यादा नंबर है कार्बन, यहाँ पर कम नंबर है, तो क्या फॉलो होगा? तो शेज़ेफ रूल फॉलो होगा. शेज़ेफ ने क्या बोला था कि जिस साइड पर ज्यादा कार्बन होंगे वहां का हाइड्रोजन ले लो और अल्किन बनाओ. अभी समझा? तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स ही आपको एल्डिहाइड और कीटोन्स देते हैं, टर्शियरी अल्कोहल्स आपको एल्डिहाइड और कीटोन्स नहीं देते हैं, वो आपको देते हैं अल्किन्स. अभी क्लियर हुआ? हाँ मिस. इज इट क्लियर नाउ? और कुछ पूछना है, कुछ डाउट है तो पूछ लो. श्योर? चलो अभी हम लोग जाएंगे नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ. अभी आपका टेक्स्ट बुक का फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन हो गया, वो डिहाइड्रेशन भी इसमें ही था, तो मैंने इसमें से ही सिखा दिया डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल. ये तुम लोग ढूंढो, मुझे मिल नहीं रहा है अल्कोहल वाले चैप्टर में. By dehydrogenation of alcohol, शायद यही था. मैम वो पेज एक मिनट दिखाओ ना कैमरा ऊपर. कौन सा पेज? हाँ ये वाला. Done मैम. Done. ठीक है चलो. अभी मैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ जाती हूँ. तुम लोग का एक ही होमवर्क है, आपको ढूंढना है प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बाय डीहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल्स. लिखो उधर, प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बाय डीहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल्स. प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बाय डीहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल्स. ये तुम लोग ढूंढोगे, अल्कोहल चैप्टर में दिया है. वो किधर दिया अभी मुझे आज मिला नहीं, मैं ढूंढती हूँ, बाद में मिलेगा तो बता. एक मिनट ना, मेरा स्टैंड एकदम सड़ा हुआ हो गया है. जस्ट अ मिनट. चलो नाउ वी विल डू द नेक्स्ट पार्ट. इसमें ही सेकेंड मेथड ऑफ प्रेपरेशन from hydrocarbons. अब आपको याद होगा हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में ओजोनोलिसिस किया था, याद है? मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए थे ओजोनोलिसिस के, हम लोगों ने JEE नीट भी किया था उसका. तो ये जो आंसर है, they have said that you have to follow your 11th का टेक्स्ट बुक. तो मैं आपको पेज नंबर बता देती हूँ, ऑफकोर्स आई एम गिविंग यू, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी अबाउट दैट. By ozonolysis. By using ozonolysis also you can prepare aldehydes and ketones. But मैं आपको पेज नंबर भी बता के रखती हूँ. आपका ये आंसर आपको मिल जाएगा पेज नंबर 244 पे, 11th स्टैंडर्ड के बुक में. हाँ, नॉट इन 12th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड का पेज नंबर 244, 11th पेज नंबर 244, जो हमने ऑलरेडी किया है अल्किन्स पार्ट में है. ठीक है चलो, अभी हम लोग क्या करेंगे, ओजोनोलिसिस करके देखते हैं कैसे एल्डिहाइड और कीटोन्स मिलता है. सो आई विल टेक ओवर योर CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज माय इथीन, प्लस आई एम गोइंग टू ऐड ओवर योर ओजोन. चलो ओजोन ऐड कर दिया, ओजोन इज O3 इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट CCl4. ये O3 कहाँ ऐड होगा, पहले डबल बॉन्ड ढूंढने का, डबल बॉन्ड के अक्रॉस पे यू हैव टू ऐड योर ओजोन. कैसे ऐड करेंगे ये आपको मैंने पढ़ाया है, CH2. ठीक है, फिर ये हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा CH2 और नीचे दो ऑक्सीजन ऐड हो गया, अक्रॉस डबल बॉन्ड ऐड हो गया. अब इसको ब्रेक करो, ऐसा याद आ गया 11 में किया था, यहाँ से इसको ब्रेक किया, यहाँ से इसको ब्रेक किया. Now you will get over here zinc dust add karna hai, zinc. Zinc will take this oxygen, form zinc oxide plus ye kya bacha CH2O, ye bhi CH2O, so two times CH2O matlab kya hai bachcho, HCHO hai ki nahi, this is my formaldehyde. Clear? This is my formaldehyde or it is also called as methanol. वापस से बता दे, देखो अल्किन था,
ओजोन लिया, तीन ओजोन ऐड किया, ऑक्सीजन दो ऊपर और दो, एक ऊपर और दो नीचे, ये ऑक्सीजन को छोड़ के ऐसे कट करने का, ऐसे कट करने का, और लिखने का कैसे, ऐसे उल्टा, ये उल्टा, तो सेम है, इट इज गिविंग यू फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है मिस, ये ऐसा ही कुछ 11th में था ना? हाँ 11th का ही है ये जो पेज नंबर लिखा है 11th का ही है, 244। तो इसलिए मैंने बोला था 11th का टेक्स्ट बुक भी संभाल के रखना, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर लिखा है रिफर 11th, पेज नंबर, चैप्टर नंबर दिस, चैप्टर नंबर दैट, ऐसा। ये समझा इतना? अभी दूसरा एग्जांपल लेती हूँ। हाँ कौन सा लूँ? चलो ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, चलो ये ले लिया, इसका नाम क्या है, दिस इज योर प्रोपीन। हम लोगों ने याद है सॉल्व किया था, ये वाले कंपाउंड दिए थे और स्टार्टिंग मटेरियल पूछा था, और हम लोगों ने सॉल्व करके आंसर निकाला था अपना JEE नीट का, जब हम लोग पढ़ रहे थे MDG में से। ठीक है, तो चलो ओजोन, ओजोन को CCl4 पहले डबल बॉन्ड ढूंढो, डबल बॉन्ड के बीच में ऐड करना है, तो CH3 CH, एक ऑक्सीजन ऊपर जाएगा CH2, ये हो जाएगा दो ऑक्सीजन नीचे। कैसे तोड़ने का बोला था मैंने? लाइक दिस। जिंक ले लो, जिंक जाएगा ये ऑक्सीजन के साथ, फॉर्म जिंक ऑक्साइड प्लस, अभी उल्टा लिखने का, CH3 CHO प्लस, इसका नाम क्या जाएगा, CH2O। दिस इज माई इथेनल एंड दिस इज माई मीथेनल। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, ये बोलो पहले। Are you all getting it properly? ठीक है, अभी एक और एग्जाम्पल देती हूँ जिससे आपका कीटोन बन जाएगा। कीटोन वाला क्या दे दूँ मैं अभी एग्जाम्पल, CH3 CH CH3, एक दो तीन चार, एच निकाल दो, एक दो तीन, क्या गड़बड़ किया मैंने, एच आएगा ही ना इधर, सॉरी, एक दो तीन चार, हाँ फिर हो जाएगा CH, एक मिनट ना ये मत लिखो, CH3 C डबल बॉन्ड लेती हूँ यहाँ पे, CH3, एक दो तीन चार, हाँ फिर हो जाएगा CH2 CH, एक दो तीन चार, CH2 CH2 CH3। ठीक है, इसका नाम क्या आएगा, एक दो तीन चार पांच, तो इट इज 2-methyl-pent-2-ene, एम आई राइट, 1 2 3 4 5, 2-methyl-pent-2-ene। अब इसका मैं ओजोनोलिसिस करूंगी, ओजोनोलिसिस मतलब ओजोन डाल के उसको ब्रेक करना, नीचे लिखती हुआ किधर साइड में लिखू, नीचे लिखती हूँ, ऐसा लिखती हूँ, तो ये हो जाएगा अभी CH3 C CH3, डबल बॉन्ड के बीच में एक ऊपर ओ गया, फिर नीचे दो ओ आएगा बराबर, और ये क्या है, CH2 CH2 CH3। कैसे तोड़ेंगे इसको, ऐसा, और इसको ऐसा, कुछ तो गड़बड़ हो गया, ऐसे क्यों लग रहा है मुझे, एक दो तीन चार पांच हो गया ये, सॉरी ये एच रहेगा, ये सिर्फ एच रहेगा, हाँ ठीक है। अब इसमें जिंक डालो, तो जिंक लेके चला जाएगा ऑक्सीजन को, क्या बना, जिंक ऑक्साइड प्लस, ये देखो क्या बना, CH3 CO CH3, मतलब कीटोन है ना ये, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये हो गया कीटोन, और ये क्या है, CH3 CH2 CHO CH3 CH2 CHO, तो ये आ गया मेरा प्रोपेनॉन, याद आ गया कल किया था प्रोपेनॉन, और इसका नाम क्या है, प्रोपेनल। समझा, दिस इज कॉल्ड एज ओजोनोलिसिस। क्लियर एवरीबॉडी? किसको नहीं समझा पहले इतना बोलो, फिर लिखो, समझ में आया कि नहीं आया, गिव मी अ क्विक यस इनटू द चैट बॉक्स, हैव यू ऑल अंडरस्टूड? 15 लोग हैं, 15 यस आने चाहिए मुझे। नहीं समझा है तो पूछो, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। ठीक है,
चलो कॉपी करो अभी. फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, उसमें फर्स्ट पार्ट है ओजोनोलिसिस. पहले इतना कॉपी करो, फिर मैं कैमरा नीचे करती हूँ. अल्कीन से बनाया जाता है उसको. इलेवेंथ का चैप्टर है, इलेवेंथ का पार्ट है. एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड. अभी लिखो कोई भी लाइन, कोई भी वर्ड नहीं समझा होगा तो प्लीज आस्क. फर्स्ट रिएक्शन हो गया. ओके, दिस इज रिएक्शन नंबर टू प्रोपीन के साथ. इसको बोलते हैं प्रोपीन ओजोनाइड. इसको बोलते हैं अपना अल्कीन, क्या इथीन ओजोनॉइड. ओजोनॉइड बोला जाता है इसको, ओजोनॉइड. ओजोनाइड, सॉरी नॉट नॉइड, ओजोनाइड. कुछ भी नहीं समझा होगा तो प्लीज पूछो. मिस ये थोड़ा ब्लर दिख रहा है. डन. हाँ ओके ओके, अभी दिख रहा है ठीक से? यस मिस. लिखो फास्ट फास्ट लिखो जरा. मैं इसके पर भी एक दो क्वेश्चन देती हूँ, वो सॉल्व करके मुझे बताओ. हो गया प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉन दोनों मिलेगा.
फिनिश। चलो मैं अभी टर्न कर रही हूँ पेज। हाँ अभी आप लोग को दो रिएक्शन कंप्लीट करनी है। एक सेकंड क्वेश्चन ये है आपका के ब्यूट टू इन ऑन ओजोनोलिसिस CCl4 एंड जिंक व्हाट इज द आंसर एंड 2.3 डाइमिथाइल पेंट ठीक मैडम एक दो तीन चार पेंट टू इन ऑन ओजोनोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 एंड जिंक व्हाट इज द प्रोडक्ट। चलो शुरू हो जाओ फटाफट। आपको मिलेगा 2 मिनट। सब खुद से ही लिखना है। एक मिनट ना मैं इसको पेपर को जरा अच्छे से रख के देखती हूँ। You will get only 2 minutes. It is 11:35, 11:37 को मुझे तुम्हारा आंसर चाहिए। Butene 2 in and 2.3 dimethyl pent 3 pent 2 in. ओजोनोलिसिस ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में जैसे मैंने सिखाया वैसा नहीं आता है। लंबा छोड़ा they will give you ऐसे direct. अरे यार आज मेरा स्टैंड है ना मुझे बहुत इरिटेट कर रहा है कसम से। चलो फटाफट आंसर मुझे चाहिए। अच्छा अभी 36 हो भी गया क्या? ठीक है 11:38 को मेरे को आंसर चाहिए। फर्स्ट ड्रॉ द स्ट्रक्चर तो डबल बॉन्ड के बीच में ऑक्सीजन डालो उसको कट करो बीच में से। ओके यश ने आंसर दे दिया। यश गुरव ने हाँ बराबर है। प्रियंका दोनों का करेक्ट है। प्रियंका का भी करेक्ट है यश का भी करेक्ट है।
चलो मुझे लगता है सभी के आंसर्स आ गए। सेकंड का आंसर क्या है? हाँ बराबर है कशिश। करेक्ट है कशिश, सेकंड वाला भी बराबर है। वेरी गुड। चलो व्हाट अदर्स आर डूइंग, अब तक आंसर आ जाना चाहिए। मैंने एकदम इजी करके एकदम स्लो पढ़ाया तुम लोगों को, एंड दैट इज आल्सो फ्रॉम योर 11th स्टैंडर्ड। ऐसे भी नहीं कि कुछ नया है। पहले का आंसर सबका आ गया। दो मॉलिक्यूल आएंगे इथेनॉल के, और सेकंड वाले में आएगा दोनों भी कीटोन आएगा, कीटोन। एक प्रोपेनॉन आएगा, एक ब्यूटेनॉन आएगा। देखो ब्यूटीन कैसा है, CH3, CH डबल बॉन्ड CH CH3। बराबर है। प्रगति माइक बंद करो। O3 ये क्या हो गया, CH3 CH, एक ऑक्सीजन ऊपर CH CH3, दो ऑक्सीजन नीचे। इसको तोड़ दो, क्या मिलेगा यहाँ पे, जिंक के साथ इट विल फॉर्म CH3 CHO। टू मॉलिक्यूल्स आया सबका, जिंक ऑक्साइड, दिस इज योर इथेनॉल। एवरीबॉडी गॉट दिस करेक्ट। अभी 2,3 डाई मिथाइल पेंटीन दिया था ना, तो 1, 2, 3, 4, 5, 2 फिर ये हो गया CH3, ये भी हो गया CH3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 ये हो गया, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 CH2 CH3। इसमें ओजोन ऐड करो, इधर ऐड होगा इन दोनों के बीच में, तो CH3 C ऑक्सीजन C CH3, ऐसे दो ऑक्सीजन। ये सेम क्वेश्चन मैंने तुम लोग को 11th में भी दिया था, CH2 CH2 CH3। अरे हाँ 6 हो गया, सॉरी, 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है, फिर जिंक हो जाएगा। थैंक यू कशिश। अभी ये क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये हो गया प्रोपेनॉन। देखो ना CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये ऐसे आएगा, और एक ही ऑक्सीजन है, तो इट इज CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, इट इज योर ब्यूटेनॉन। कशिश इसको ब्यूटेन टू ऑन लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि अगर ये साइड पे आएगा तो यहाँ से स्टार्ट करते थे, तो प्रोपेनॉन एंड ब्यूटेनॉन। आया सबका आंसर? किसको नहीं आया, नहीं आया था आंसर, ईमानदारी से बताओ। कोई बात नहीं, आप लोग एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आएगा। ठीक है, ओके, लिख लो। आप शायद 11th में नहीं थे ना ऋषि, आपका न्यू एडमिशन है ना, इनको 11th में मैंने बहुत बार सिखाया था, इन लोगों को थोड़ा अच्छे से आता ही है, बहुत रिएक्शन सीखा था इन लोगों ने 11th में भी। लिख लो, अभी समझ में आया क्या, व्हाटएवर आई हैव टॉट यू।
हाँ ये मत लिखना नीचे का, ये मैं दे रही थी तुम लोग को क्वेश्चन, तो मैंने लिखा था। अच्छा ठीक है, हो गया लिख के सबका। शुड आई गो टू द नेक्स्ट रिएक्शन? एक पढ़ा देती हूँ हाइड्रेशन वाला। ओके ठीक है चलो, नाउ नेक्स्ट वी विल गो, यही इसका ही पार्ट है। एक तो था फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, एक था बाय ओजोनोलिसिस, और दूसरा है बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन्स। अभी ये भी ना आपके 11th का दिया हुआ है, उन्होंने क्या बोला है, रिफर 11th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 15। अब तुम लोग कहाँ ढूंढते बैठोगे ना इसका सेकेंड पार्ट, बाय हाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर ऑफ अल्काइन्स, ये मिलेगा आपको 11th स्टैंडर्ड पेज नंबर 249 अल्काइन्स में। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, अल्काइन्स ले लेते हैं। चलो सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, हाइड्रेशन मतलब वाटर ऐड करेंगे। ठीक है, आपको अगर याद होगा दिस इज कॉल्ड एज इथाइन, और हाइड्रेशन किया था हमने इन द प्रेजेंस ऑफ 40% H2SO4 एंड 1% मर्क्यूरस सल्फेट। ठीक है, अब ये H इधर जा सकता है और ये OH इधर जा सकता है, तो क्या हो जाएगा अभी देखो, इट विल फॉर्म CH, यहाँ पे आ गया H। ठीक है, ये बन जाएगा डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा CH, यहाँ पे आ जाएगा OH, दिस इज हाईली अनस्टेबल। तो हम लोग इसका एक प्रोसेस करेंगे, इफ यू रिमेम्बर टॉटोमेरिज्म, याद आ गया टॉटोमेरिज्म में क्या करने वाले हैं हम लोग, आई एम गोइंग टू शिफ्ट दिस हाइड्रोजन टू दिस कार्बन और ये बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा CH3 सी डबल बॉन्ड ओ और एच, आगे एल्डिहाइड, इट इज कॉल्ड एज इथेनल। टॉटोमेरिज्म मतलब क्या, डबल बॉन्ड के साथ वाला जो फंक्शनल ग्रुप है इसके एच को इधर शिफ्ट करने का और डबल बॉन्ड को इधर शिफ्ट करने का, तो ये आ गया मेरा इथेनल। समझा, समझा क्या सबको? एक और एग्जांपल देती हूँ रुको, अभी हम लोग प्रोपाइन लेते हैं, प्रोपाइन सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, एड वाटर, हाइड्रेशन बोला है ना, एड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ 40% H2SO4, कितना एसिडिक है देखो, 1% मर्क्यूरस सल्फेट। चलो क्या करें अभी, एक जगह पर H ऐड करेंगे, एक जगह पर OH ऐड करेंगे। चलो इस बार है ना H इधर ऐड कर देते हैं और OH को इधर ऐड कर देते हैं, डबल ट्रिपल बॉन्ड के बीच में ऐड करने का, नीचे लिखती हूँ जगह नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका CH3CH, नीचे आ गया डबल बॉन्ड, ये सी एच, ये हो गया ओ एच, दिस इज अगेन अनस्टेबल। मैंने कुछ तो गड़बड़ कर दिया, ऐसे मुझे बहुत फील हो रहा है, नहीं बराबर है। ठीक है, हाँ अब क्या करेंगे, यहाँ पे वी विल डू टॉटोमेरिज्म। व्हाट आई विल डू, आई विल shift this double bond here or CH3, ये वाला जो H है, ये वाला H, it will go to this carbon, so what it will form, CH3 C, नहीं नहीं मिस वो वाला नहीं, मिस ये साइड का जाएगा ना, वो साइड क्या गड़बड़ किया, OH वाला H जाएगा ना, हाँ OH वाला ऐड जाएगा, सॉरी सॉरी ये वाला नहीं, OH वाला ऐड जाएगा, एक मिनट रुको, चलो वापस से लिखती हूँ, गड़बड़ हो गया,
वेट CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH दिस इज योर प्रोपाइन ठीक है यू विल ऐड HOH सो आई एम गोइंग टू यूज ओवर योर 40% H2SO4 एंड 1% HgSO4 ठीक है तो ये जो H है इसको इधर ऐड करते हैं और ये जो OH है इसको इधर ऐड करते ऐसे ज्यादा इजी पड़ेगा तो आई विल राइट डाउन ओवर हियर CH3 C इधर आ गया OH ये हो गया डबल बॉन्ड ये हो गया CH और एक H आ गया ठीक है अब इसका करेंगे हम लोग क्या टॉटोमेरिज्म चलो कर दिया टॉटोमेरिज्म अब क्या करना है यहाँ पे दिस H विल गो टू दिस कार्बन और ये डबल बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट होगा अभी बराबर है ना ये H इधर से इधर जाएगा ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो इट इज CH3C डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये CH3 सो इट इज योर एसीटोन समझा अभी दिस इज कॉल्ड एज बाय यूजिंग हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन्स लिखो इसको फटाफट पहले वाला पार्ट कॉपी करो ऊपर वाला पार्ट बहुत सिंपल रिएक्शन है आज हम लोग इतना ही करेंगे शाम को अपना सॉल्यूशंस का न्यूमेरिकल्स का रिवीजन है फॉर्मूला और न्यूमेरिकल लॉगबुक सब पढ़ के आएंगे 7:30 को रहेगा लेक्चर 7:30 to 8:30 ठीक है हो जाएगा तो बोलो और कल सुबह हम लोग वापस से ये चैप्टर कंटिन्यू करेंगे कल शायद मैं इवनिंग में भी लेक्चर रखूं कल फ्राइडे है ना कल इवनिंग में भी मैं शायद रखूं लेक्चर देखती हूँ 8 बजे रखूंगी कल 8 to 9:30 कल भी इसी हर एक रिएक्शन में ये 40% H2SO4 और 1% यस हर एक रिएक्शन में लिखना है ये वाले अल्काइन्स वाले हाइड्रेशन और टॉटोमेरिज्म भी करना है ये मत लिखो ये गलत हो गया था फर्स्ट पार्ट इज डन नीचे करूं कैमरा ऊपर ही पकड़ लेती हूँ चलो लिख लो आई होप आप लोग को समझ रहा है अच्छे से कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है आई एम गोइंग वेरी वेरी स्लो वेरी स्लो जैसे मैं स्कूल सेक्शन को पढ़ाती हूँ वैसे तुम लोग को पढ़ा रही हूँ एकदम स्लो फिर भी अगर नहीं समझ रहा होगा तो मुझे पूछना क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम लोग के इन सब चीजों में मार्क्स नहीं जाए लॉजिकली तुम लोग आंसर्स निकाल सको ऑर्गेनिक मैथ्स जैसा रहता है कैसे भी करके किधर से भी घुमा फिरा के कौन सा भी रिएजेंट यूज करके आंसर लेके आने का छोड़ के नहीं आने का बट उसके लिए तुम लोग को क्या आना जरूरी है IUPAC है ना अगर IUPAC मैंने बोला इथाई ना वो ही नहीं पता है तो कैसे आएगा IUPAC बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका कल मॉर्निंग इवनिंग दोनों लेक्चर रहेगा 8 to 9:30 इवनिंग में रहेगा मॉर्निंग में 10:30 to 12 रहेगा यस आई विल टेक देखते हैं तुम लोग का नेक्स्ट वीक पे ये चैप्टर भी हो जाएगा शायद तुम लोग तो इतने फास्ट इसमें चल रहे हो सबसे आगे है पता है तुम लोग का पोर्शन मेरे को लगता नहीं पूरे मुंबई में किसी क्लास का इतना आगे रहेगा पोर्शन बाकी क्लासेस में भी मैं सिखाती हूँ ना सबके ऐसे 4-5 ऐसे ही चैप्टर हुए तुम लोग के 4-5 बचे हैं जो 12th है 13, 14, 15, 16 तीन लास्ट के तो बहुत इजी और एक 8 चैप्टर बचा है डन ठीक है नीचे करूँ हाँ कैमरा done
चलो अभी हम लोग जाएंगे नेक्स्ट प्रिपरेशन पे, ठीक है? फ्रॉम असाइल क्लोराइड, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम असाइल क्लोराइड एंड एसिड क्लोराइड, वॉट एवर इट इज. तो हम लोग पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं, 5 मिनट है अपने पास. हेडिंग देखो तुम लोग, नेक्स्ट मेथड. Next method is from preparation of aldehydes from acyl chloride. क्या नंबर दे इसको? Method number 3 दे दे क्या? पहला वाला क्या था? क्या था? Oxidation of alcohol. नहीं, general method में oxidation of alcohol था. दूसरा वाला था from hydrocarbon. तीसरा दे देते हैं preparation of aldehydes from acyl chloride. असाइल क्लोराइड को और क्या बोलते हैं? एसिड क्लोराइड्स भी बोलते हैं, ठीक है? The name of this reaction is, this is a name reaction. इसको बोलते हैं रोजनमंड रिएक्शन, रोजनमंड रिडक्शन. देखो क्या होगा, आई विल टेक असाइल क्लोराइड आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, इट इज माय असाइल क्लोराइड. अभी असाइल ग्रुप क्या होता है? आर सी डबल बॉन्ड ओ, ये जो है ना आर सी डबल बॉन्ड ओ, इसको बोलते हैं असाइल ग्रुप. आप इसका रिडक्शन करोगे बाय यूजिंग हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पलाडियम एंड बी एस ओ फोर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बताया था कि साइंटिस्ट ने, रोजनमंड ने बताया था. तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पलाडियम इज यूज एज अ कैटलिस्ट पॉइजन, क्योंकि आप जो कैटलिस्ट यूज करो उसको स्टॉप करना भी जरूरी है. Along with barium sulfate, so it is used as a catalyst poison. होगा क्या, देखो बहुत ही सिंपल है, दो एच है ना, एक एच इधर आ जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, एक एच बचा है किसके साथ गया, एच सी एल के साथ, आ गया एल्डिहाइड. सिंपलेस्ट मेथड, दुनिया का सबसे सिंपलेस्ट मेथड, रोजनमंड रिएक्शन, ठीक है? So when acyl chloride is reduced with hydrogen using palladium and barium sulfate as a catalyst poison, yahan pe chitra likh ke rakho, it is acting as a catalyst poison. So ye do H tha, ek H idhar gaya, HCl ke sath gaya, you will get your reaction. Easy tha ekdam, matlab main yahan pe likh do CH3 C double bond O Cl, this is your acetyl chloride, theek hai? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रोजनमंड रिएक्शन, PDBaSO4, कंप्लीट द रिएक्शन. चलो फास्ट एकदम. मिस, ये असाइल क्लोराइड है ना ऊपर आपने लिखा, असाइल, असाइल A C Y L, A C Y L. असाइल ग्रुप किसको बोलते हैं? C डबल बॉन्ड O R, इसको बोलते हैं असाइल ग्रुप. This is a acyl group. इसको नाम है रिएक्शन का रोजनमंड रिडक्शन. और ये पता है नीट में पूछा है क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ पलैडियम एंड BaSO4 इन रोजनमंड रिडक्शन, इट इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट पॉइजन. चलो इसका प्रोडक्ट बताओ एंड देन वी विल स्टॉप, फास्ट लिखो एकदम. चलो नेक्स्ट टाइम मुझे याद दिलाना कितना हुआ, ठीक है? हम लोग अभी है अपना पेज नंबर 260 हो गया, 261 से स्टार्ट करने का है, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स फ्रॉम असाइल क्लोराइड वो बाकी है. यश, प्रियंका, कशिश, आप लोग याद दिलाओ, ठीक है? कहाँ से बाकी है? हो गया, रिएक्शन आ गया, क्या आएगा प्रोडक्ट? CH3 C डबल बॉन्ड O H प्लस HCl, हो गया ना? Correct. It is your ethanol. Yes, yes, Pragati, please. हो गया लेक्चर, मैं भी छोड़ रही हूँ. आ गया सबका आंसर. अभी नेक्स्ट स्टेप हम लोग करेंगे प्रेपरेशन ऑफ कीटोन्स फ्रॉम असाइल
from acyl chloride. This we will do. ठीक है, next lecture में करेंगे. Done everyone. Any doubts, any questions for today's lecture? Bye. Bye Kashish. Welcome. चलो ठीक है, मेरा लेक्चर मिल रहा है. ओके ठीक है, चलो वी विल मीट टुमारो, सॉरी इन द इवनिंग. ओके वेलकम प्रियंका, बाय मैम. चलो शाम को मिलते हैं सॉल्यूशंस के साथ. लेक्चर विल बी एट 7:30 to 8:30, सॉल्यूशन का रिवीजन लेक्चर. ठीक है, आज चलो आज शाम को एंड करती हूँ मैं.